बिग बॉस ओटीटी का दूसरा सीजन फिलहाल दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। इस शो को फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है, वहीं कंटेस्टेंट भी रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो तो पॉपुलर होते ही हैं, साथ ही शो की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली जाती है। बिग बॉस की जब भी बात होती है, फिर चाहे वो कोई भी सीजन हो, इस शो में रिश्ते बेहद अहमियत रखते हैं। लोगों को दोस्ती, दुश्मनी और प्यार सब देखने में बड़ा मजा आता है। ये शो हर सीजन ये सारे रिश्ते दिखाने में कामयाब रहता है। वहीं ये भी देखा जाता है कि इस घर में रिश्ते हर गुजरते दिन के साथ बदलते जाते हैं। वैसे ही इस बार अविनाश, सचदेव और पलक नाज के बीच भी एक रोमांटिक एंगल देखने को मिल रहा है। ये दोनों घर के माहौल में प्यार के रंग भर रहे हैं। हालांकि अभी तक रोमांस सिर्फ लोगों के दिमाग में है, क्योंकि इन दोनों ने खुलकर अपने रिश्ते पर कुछ भी नहीं कहा है, ना ही इन दोनों में से किसी ने एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स को लेकर बात की है। मगर ऑडियंस को वो सब नजर आ जाता है जो कहा नहीं जाता। दरअसल शो में दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां साफ देखी जा सकती है। अविनाश ने तो सबके सामने पलक के लिए अपनी फीलिंग्स का हिंट भी दे दिया है, लेकिन पलक ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा। वो बस अक्सर अविनाश के नाम से छेड़े जाने पर ब्लश जरूर करती है। ऐसे में बिग बॉस के घर में इन दोनों के बीच चर्चे हो रहे हैं, साथ ही ऑडियंस भी इनको लेकर बातें कर रही है। लेकिन अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसे सुनकर आप भी शॉक रह सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अविनाश जो भी पलक को पसंद करने लगे हैं, वो पहले उनकी बहन शफक नाज के साथ भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं। सुनकर आपको भी अजीब लगा होगा, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स इसी ओर इशारा कर रही हैं। हाल ही में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में सूत्र ने बताया है, तेरी मेरी लव स्टोरी की शूटिंग के दौरान अविनाश और शफक एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उनका रिश्ता करीब 6 महीने तक चला और फिर अविनाश ने ये रिश्ता तोड़ दिया। हमें नहीं पता कि फलक को इस बारे में कुछ पता है या नहीं, लेकिन अविनाश को तो सब पता है। अब ये सब सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अविनाश ने पहले छोटी बहन के साथ लव अफेयर रखा और अब वो बड़ी बहन के साथ भी केमिस्ट्री बनाने का ट्राई कर रहे हैं। आपको बता दें, जैसे ही अविनाश और शफक के रिश्ते की जानकारी मीडिया तक पहुंची, मीडिया ने तुरंत शफक नाज से बात करने की कोशिश की, लेकिन कहा जा रहा है कि शफक नाज ने कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऐसे में सच क्या है और झूठ क्या, कुछ भी कहा जाना मुश्किल है।